तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक से फुटप्रिंट विदाउट फीट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दोनों बुक के नाम चैप्टर के नाम पे ही गिवन है। जैसे पहला पहली बुक का नाम कौन से चैप्टर से था? फर्स्ट फ्लाइट। वो कौन सा, मतलब क्या था उसमें? एक दो पार्ट थे। यस, सीगल और ब्लैक एरोप्लेन। यस, वेरी गुड। चलो तो लास्टली हमने इस बुक में हमने वो नेकलेस वाला देखा था, राइट? वो चोर है, वो नेकलेस चैप्टर नहीं, वो चोर है जो चुराने की सोचता है, और फिर उसी को कोई और वहां पे दूसरी चोर मिल जाती है जो उसको चीट करके चली जाती है। ओके, सो दैट वी हैव सीन। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। कौन आया उसे? इस साइड बुला लो उसको। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के हमारे ऑथर है एच जी वेल्स। ओके, हमारे ऑथर का नाम है एच जी वेल्स। टेस्ट है पता है ना? ले, मैडम ने मैसेज तो किया था। मैसेज मतलब पहले से ही तो तुम्हें बताया था कि 8 तारीख को टेस्ट है। नहीं पता? करो पढ़ो अभी, नहीं तो मैम से मिल जाओ। मैम यहीं पे होंगे फर्स्ट फ्लोर, और अगर फर्स्ट फ्लोर ना हो, फर्स्ट फ्लोर में ना हो तो ग्राउंड फ्लोर। विंडो के पास से आवाज लगाना तो सुनेंगे, ठीक है? हाँ चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो हमारे ऑथर है एच जी वेल्स। ओके, सो एच जी वेल्स एक्चुअली है हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। हाँ, तुम पूरा याद नहीं रखोगे तो चलेगा, वैसे भी बहुत सारे ऑथर हैं हमारे पास। ओके, बट ये उनका नाम है। ओके, एच जी वेल्स, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, ये ब्रिटिश ऑथर है। ओके, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के। ओके, सो क्या बोल रहे हैं बिफोर यू रीड पार्ट में? कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? मतलब क्या कोई आदमी इनविजिबल बन सकता है? देखो इस चैप्टर के भी वो जो बुक थी उस बुक में सारे ही जो चैप्टर्स थे देर आर मोर और लेस, ज्यादातर कैसे थे? लेसन्स थे। लेसन्स इन द सेंस जो हमारी डे टू डे लाइफ में वैल्यूज, जिसे हम बोलते हैं वैल्यू बेस, कि भाई उससे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ हम सीख सके डीप डाउन। ओके, कहीं पे किसी के लास्ट चैप्टर में हमें कीसा गौतमी वाला भी देखा था, उससे मतलब ये लास्ट चैप्टर में वो प्ले था, ह्यूमरस और बहुत ज्यादा झगड़ालू और प्रपोजल चैप्टर का नाम था। ओके, एक्चुअल में था मैरिज प्रपोजल, लेकिन हमारे सिलेबस में प्रपोजल है, तो वो सब चीजें। फिर बॉल पोएम, तो कोई बहुत पसंदीदा चीज चली जाती है तो कैसे लगता है। फिर वो एमांडा वाला चैप्टर, सब में से अलग 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 लेसन्स वैल्यूज हमें सीखने को मिलती है। ये जो बुक है, ये बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स सस्पेंस थ्रिलर जैसे हैं। ओके, कि लास्ट में तुम्हें पता चलेगा और ऐसा है लाइक दैट। जैसे कि पहला ही चैप्टर था ओके, ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ट्रम्प ऑफ सर्जरी ट्रिकी वाला, तो हम चैप्टर के नाम से क्या पता चलता था? भाई खतरनाक वाली सर्जरी की होगी वो, ट्रिकी की। लेकिन एक्चुअल सर्जरी क्या थी? एक्चुअल सर्जरी मेडिसिनल सर्जरी नहीं थी, एक्चुअल सर्जरी थी एक्सरसाइज वाली, डे टू डे रूटीन वाली सर्जरी थी, राइट? तो हम सोचते क्या है और होता कुछ है। जैसे कि हमने इसके पहले वाले चैप्टर में भी सोचा कि भाई ये चोर है और अपने उसका एक शौक है कि महंगी महंगी बुक्स ले और उसका अपना ही मतलब क्या बोलते हैं, स्टोर करे सारी अच्छी अच्छी बुक से, महंगी महंगी बुक से। साल में एक ही बार चोरी करता है और बड़ी वाली चोरी करता है एंड ऑल, लेकिन उसको कोई और ही चोर मिल गई। ओके, तो ब्यूटीफुल लेडी थी और उसको उसको लगा कि वो घर की ओनर है, उसके लिए खुद उसने चोरी की। ओके, और फिर वो पकड़ा भी गया। ओके,
ओके, तो जेल में बैठे बैठे फिर सोच रहा है कि क्या है मेरे साथ। तो लास्ट लास्ट में भी ये टर्निंग पॉइंट आता है। सारे ही चैप्टर्स में ऐसा है, सारे चैप्टर्स में मोस्टली 99% ऐसा है कि ट्विस्ट एंड टर्न तुम्हें देखने को मिलेगा एट दी एंड। हाँ बोलो। कुत्ते वाला, टेकी वाला। ट्रायम का मीनिंग विक्ट्री, ट्रायम का मीनिंग विक्ट्री, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मतलब सर्जरी की विक्ट्री हुई, मतलब बेस्ट टाइप ऑफ सर्जरी हुई, एक नंबर की सर्जरी हुई, ऐसे लाइक दैट। डन। सो स्टार्ट करते हैं। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, क्या कोई मैन इनविजिबल बन सकता है? मिस्टर इंडिया देखा नहीं होगा तुमने, तुम लोग छोटे थे, लेकिन अभी एड आ रही है कोई फोन की, सैमसंग या ओप्पो या गूगल, गूगल का है, यस गूगल का फोन है, उसकी एड में अनिल कपूर आता है। अनिल कपूर तो पता है ना एक्टर, उसकी बेटी का नाम क्या है वो पता होगा तुम, श्रद्धा कपूर नहीं ये बात सोनम, श्रद्धा तो वो है शक्ति कपूर की बेटी है। ओके, तो वो सोनम कपूर, उसकी ज्यादा वैसे मूवी है नहीं, लेकिन एक मूवी है निर्जा, शायद तुमने देखी हो, उसमें मैंने भी नहीं देखी, ट्रेलर देखा है, बट ट्रू ट्रू स्टोरी बेस है कि प्लेन हाईजेक हो जाता है। नहीं मिर्जा नहीं, निर्जा, निर्जा, सो वो प्लेन हाईजेक हो जाता है और वो एयर होस्टेस होती है, तो वो बचाती है, मतलब कुछ ना कुछ करके जो हाईजेक हो गए हैं, टेररिस्ट हाईजेक कर लेते हैं प्लेन को, तो उसकी हेल्प से मतलब बच जाते हैं सब लोग। सो वो एक ट्रू स्टोरी बेस इंस्पायर्ड मूवी थी, मतलब वो हीरोइन याद आ जाए इसलिए बता रहा हूँ। तो अनिल कपूर की मूवी है, मतलब जब अनिल कपूर उसकी बेटी जो अभी की जो भी एज होगी उसकी, वैसे अनिल कपूर जब यंग था, एक्चुअली वो 60+ है, दिखता नहीं है, तो अनिल कपूर है, सुनील शेट्टी है, अक्षय कुमार है, सोचो उन लोग ने कैसे अपनी हेल्थ मेंटेन की है जस्ट इंस्पायर होने के लिए। ओके, कि कैसे अपनी हेल्थ मेंटेन की है, मतलब 50+ है सारे। क्या ऋतिक रोशन? ऋतिक रोशन यस, बट अभी उसकी एज बाकी है, मतलब उसको यंग बोल सकते हैं हम, 40-45 के बीच में है ऋतिक रोशन, लेकिन ये सब लोग 50+ है। ओके, और इट्स नॉट लाइक कहाँ आ गया होगा, नहीं वहां एक दो तीन चार चेयर पे बैठना, तो फर्स्ट लेन में नहीं, इधर बैठना है। अच्छा ठीक है, आ जाओ। क्या बोल रहा था मैं, हाँ कि वैसे नहीं है कि कोई एक मूवी के लिए बॉडी बना दे, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, तो वो मूवी के लिए बॉडी बनाते हैं, आमिर खान एक मूवी के लिए बॉडी बनाई और फिर बॉडी बना के वापस जैसे थे वैसे, बट ये लोग जो है वो मूवी के लिए नहीं बनाते, वो अपनी हेल्थ के लिए उतने ज्यादा कॉन्शियस है। ओके, कि भाई नहीं इतने बजे उठना है तो इतने बजे उठना ही है। ओके, इतने बजे भाई पैकिंग, मतलब पैकिंग, पैकिंग मतलब वो उनके शेड्यूल में पैक, मतलब क्या आज का दिन खत्म, पैक अप, ओके अब कल मिलेंगे, तो भाई वो एक हीरो ही नहीं है तो कहां से शूटिंग करोगे, लाइक दैट। तो वैसी सब डिसिप्लिन, ओके तुम सिर्फ डिसिप्लिन को पकड़े रहोगे तो लाइफ में सक्सेसफुल श्योरिटी से मिलेगी। डिसिप्लिन मतलब क्या, एवरीडे ये चीज करनी है, मतलब करनी ही है। ओके, तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि एवरीडे अगर सब छोटी छोटी बातें हैं, ओके एकदम स्मॉल स्मॉल हैबिट्स, कि एवरीडे तुम सेम टाइम पे उठते हो, सेम टाइम पे सो जाते हो, सेम टाइम पे खाना खाते हो, सेम टाइम पे पढ़ने बैठते हो, उसकी इफेक्ट बढ़ जाती है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। तुम जाओ ऐसा मैम ने बोला, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, हाँ डिसिप्लिन से मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, मतलब कि हम सुबह सपोज तुम कोई एक दिन 5 बजे उठे, एक दिन 4 बजे, एक दिन 6 बजे, एक संडे के दिन भाई 8-9 बज गए, 7 बज गए, लाइक दैट, तो इससे डिसिप्लिन नहीं बनती है, इसको डिसिप्लिन नहीं बोलेंगे, रैंडमली कभी भी उठ रहे हो, ओके जबरदस्ती उठ रहे हो लाइक दैट। तो अगर सेम टाइम पे कुछ चीज कर रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। ओके, मतलब कि उठने तो वाले ही हो तुम, लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है मतलब क्या, उससे जो तुम्हें बेनिफिट मिलना है वो एकदम इजीली मिलेगा, कोई भी चीज हो। ओके, सो दैट इज देयर। तो मेन चीज वो मैं बता रहा था कि वो लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, तो वैसे अनिल कपूर की मूवी आई थी जिसमें मे बी मूवी यहां से ली गई हो ऐसे,
आई एम जस्ट गेसिंग ओके क्योंकि ये तो बाहर की स्टोरी है और अभी की दिस इज नॉट रिसेंट स्टोरी ओके मतलब ये चैप्टर स्टोरी इन द सेंस ये ट्रू है नहीं बोल रहा हूं ये चैप्टर जो है वो रिसेंट चैप्टर नहीं है ओके फेमस बहुत पहले लिखा गया चैप्टर है तो मे बी मूवी इसके बेस्ड कॉपी की गई हो ओके क्योंकि इंडिया के लोग कहाँ हैं ऐसे ये सब चैप्टर्स और वो पढ़ेंगे ओके तो वहां से शायद बनाया गया हो सोचो थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है क्या इसमें एक साइंटिस्ट है ओके तो उसमें भी एक साइंटिस्ट होता है अब वो साइंटिस्ट को कुछ ना कुछ करके ऐसी दवाई ढूंढनी है जो पीकर वो क्या हो जाए कोई भी आदमी इनविजिबल हो जाए इनविजिबल मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाए ग्लास जैसा ओके मतलब बॉडीली वो हो फील तुम कर सको मतलब ऐसे हाँ ऐसे तुम पकड़ो तो पकड़ में आ जाएगा तो अरे यार मैंने किसी का हाथ पकड़ लिया लेकिन दिखेगा नहीं कि ये हाथ है तो ऐसे इनविजिबल हो जाए ओके तो वो मूवी में भी ऐसा है फिर एक्चुअली दवाई नहीं लेकिन वो वहां पे स्पेक्टेकल्स बना देता है सॉरी वॉच बना देता है वॉच ओके तो जैसे ही वो वॉच पहन के ऐसे बटन ऑन करेंगे ना तो पूरा का पूरा इनविजिबल हो जाएगा लेकिन उसमें एक ट्रिक थी कि अगर तुम रेड कलर के ग्लासेस थ्रू देखोगे ना तो वो सामने वाला आदमी दिख जाएगा वैसे तो वैसे ही कुछ चीजें यहाँ पर है तो ये तो हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है इनविजिबल इनविजिबल हाँ हो तो सकते हैं कैसे वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल तो ये स्टोरी है एक साइंटिस्ट की जिसने डिस्कवर कर लिया है ट्राई नहीं कर रहा है डिस्कवर कर लिया है ओके क्या हुआ नहीं नहीं हुआ मतलब मुझे जहां तक याद है वहां तक मैं बोल रहा हूँ कि नहीं हुआ है फिर तुम लोग बता दो स्कूल में हो गया वो तो याद नहीं आ रहा है ना ग्लॉसरी लिखी हुई है मैंने जो तुम्हें लिखा है वो बुक में तो तुम्हें पता चल जाएगा क्योंकि इसमें तो कोई ग्लॉसरी है ही नहीं और मैंने बहुत सारी लिखी हुई है क्या लग रहा है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है एंड मोर ओवर हम डिस्कस तो कर ही लेते हैं ओके चलो तो क्या है ये एक ऐसे साइंटिस्ट की स्टोरी है क्योंकि मैंने इससे पहले तो मिस्टर इंडिया की बात तुम लोगों से नहीं की और ये पढ़ के मुझे पहले मिस्टर इंडिया याद आता है तो नहीं की होगी सो ये एक साइंटिस्ट की स्टोरी है वो ऑलरेडी डिस्कवर्स मतलब वो ट्राई नहीं कर रहा है उसने पहले से ही ढूंढ ली है अब इससे ऐसा नहीं कि ट्राई करने वाला है ढूंढ ली है वो डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल तो कैसे अपने आप को क्या कर दे हम इनविजिबल कर दे वो उसने ढूंढ लिया है डज ही यूज और मिसयूज हिज डिस्कवरी तो क्या ये डिस्कवरी को देखो डिस्कवरी तो ऐसी होती है कि तुम उसका यूज करो तो पूरी वर्ल्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ओके और अगर तुम उसको गलत तरीके से यूज करो तो भी वर्ल्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ओके मतलब कि कहीं पे एक अच्छी जगह यहाँ पे ध्यान दें कहीं से हम क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में अच्छी डायरेक्शन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं कहीं पे जैसे कि हमने बोला ऐसे हम बोलते थे जनरली वी आर नॉट ब्लेमिंग एनीवन कि भाई ये जो COVID-19 वायरस था वो बाय मिस्टेक और व्हाटएवर चाइना से आया था साइंटिस्ट ने ऐसे पहले से ट्राई कर रहे थे बनाने की कि ऐसा कोई ऐसा हो ऐसा वायरस एंड ऑल सो जस्ट इमेजिन कि वैसा भी हो सकता है मतलब ये क्या हो गया ये क्यों ऐसे सब एलिगेशंस क्यों लगे थे चाइना के ऊपर क्योंकि वहां से स्टार्ट हुआ और वहां से बहुत ही नजदीक उनका वो कैपिटल भी है शंघाई तो कितने मंथ हो गए शंघाई में कोई कोविड से मरा नहीं और पूरी दुनिया में सब लोग टपा टप ऐसे मर रहे हैं तो कैसे पॉसिबल हुआ तो मे भी ऐसी बातें भी थी कि उन्होंने वायरस के साथ साथ एंटीडोट भी बना दिया था और एंटीडोट अपने लोगों को दे दिया था मतलब एंटीडोट मतलब से वैक्सीन बना दी थी अपने लोग को दे दी थी इसलिए वहां के लोग कम मरे ये सब बातें हैं हमें नहीं पता एक्चुअल रीजन क्या है सो वी आर नॉट ब्लेमिंग बट ऐसे में बोल रहा हूं कि डिस्कवरी का मिसयूज भी हो सकता है ओके एक्चुअली डिस्कवरी बहुत अच्छी बात है कोई भी चीज तुम ढूंढ लो बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके साथ साथ एक चीज बहुत ही
बड़ी हमारे पास आ जाती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तुम कुछ भी बड़ा कर लो, कुछ भी बड़ा लाइफ में, कुछ भी, सपोज तुम अपनी लाइफ में बड़ा कर रहे हो, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए या खुद की फैमिली के लिए कुछ बड़ा कर रहे हो, तो उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जैसे कि ऐसा समझो तुम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन गए बोर्ड में, ओके, तुम्हारा एक यंगर ब्रदर और सिस्टर भी है, वो सपोज अभी 8th में है, 7th में, 6th में, तुम अगर डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो और तुम्हारा यंगर ब्रदर और सिस्टर को पॉइंट पे पास हो रहा है, इट्स नॉट लाइक यू, ओके, तो एटलीस्ट ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारे पास नॉलेज ज्यादा है, तुम्हें पता है कि कैसे तुम पढ़ना है, कैसे याद रखना है, ट्रिक्स एंड ऑल सब कुछ तुम्हें पता है, सो एटलीस्ट यू शुड जज हिम और हर। तो तुमने ये जो अचीवमेंट गेन की है, सक्सेस गेन की है कि तुम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन गए बोर्ड में, और जब वो 7th और 8th वाला जब 10th में आएगा तब मे बी तुम 12th में और मे बी तुम कॉलेज कर रहे होंगे, व्हाटएवर, डायरेक्टली ऐसे ट्यूशन पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट सजेशंस कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ये होगा ये होगा, इट्स नॉट के कल एग्जाम है और तुम आज वो सब उसको बताओ, थ्रू आउट द ईयर। सो कोई भी, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, कोई भी वे में, सपोज तुम बिजनेस कर रहे हो और तुम्हारा बिजनेस ऐसे जोर शोर से चल रहा है, सो इट्स नॉट ओनली दैट तुम पूरा का पूरा खर्चा सिर्फ खुद पर करो, ओके, तुम्हारी इमीडिएट सर्कल फैमिली, मतलब मदर फादर ब्रदर सिस्टर व्हाटएवर, ओके, ये इमीडिएट फैमिली हुई, हस्बैंड वाइफ बात की बात है, ओके, तो उनका भी भला हो पैसों से, भला हो डज नॉट मीन के उनके लिए शॉपिंग कर लो, हाँ तुझे ये पसंद है ये ले ले, तुझे ये पसंद है ये ले ले, नॉट लाइक दैट, अच्छे वे में पैसे यूज हो, ओके, सो कोई भी विक्ट्री हो, तुम कोई भी बड़ी चीज अगर लाइफ में कर रहे हो, ओके, और तुम कर लिए, ऑलरेडी कर लिए हैं, ओके, किसी दूसरे की कंपेयर में तो तुम ऑलरेडी बड़ा ही कर रहे हो, सोचो कि अभी ही तुम्हारा कोई यंगर ब्रदर सिस्टर है जो हर साल पॉइंट पर पास हो रहा है, मतलब कि पासिंग मार्क से ही पास हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो जरूरी नहीं है वो बोर्ड में आए तब तुम उसको सजेशन दो, अभी वो 5th में हो तब भी तुम उसको बोल सकते हो, अरे इसको ऐसे नहीं है, ऐसे करो, तुम पर्टिकुलरली से रोज आधा घंटा मैं अपने बहन को अपने भाई को दूंगी, ओके, वैसा भी तुम कर सकते हो, सो दैट इज समथिंग लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोई भी सक्सेस, कोई भी टाइप की सक्सेस तुम गेन करो, याद रखना रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पूरी कर रहे हो तो तुम्हारी सक्सेस की वैल्यू है, अदरवाइज तुम चांद तारे तोड़ के ले आओ और तुम्हारे साथ जो रह रहे हैं उनकी कंडीशन वैसी की वैसी है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है वो सक्सेस का। सो और मैं ये जो क्वेश्चन है मैंने बोल दिया कि वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे कि कैन मैन बिकम इनविजिबल, तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन हो सकता है, क्यों, क्योंकि विजिबिलिटी और इनविजिबिलिटी तो सामने वाले के ऊपर निर्भर है, जैसे कि अभी हमारे रूम में यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो हमारे लिए वो इनविजिबल है, लेकिन क्या वो इनविजिबल है, ट्रांसपेरेंट बॉडी है उनकी, नहीं, हमारी आंखों की लिमिट उतनी है, हमारी आंखों की कैपेसिटी उतनी है, ओके, तो इनविजिबिलिटी तो सामने वाले के ऊपर है, हो सकता है जादूगर कितनी सारी चीजें, मतलब जो हमारे क्या बोलते हैं मैजिशियन, ओके, मैजिशियन तो ऐसे कितने मैजिक दिखाते हैं कि ट्रांसपेरेंट हो गए, पूरा आधा बॉडी दिख रहा है, बीच वाला नहीं दिख रहा, वापस नीचे का बॉडी दिख रहा है, लाइक दैट, कितना कुछ ऐसे दिखाते हैं, सो इट्स अप टू ऑडियंस, ओके, हो सकता है इनविजिबल। हाँ चलो तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रीड एंड फाइंड आउट, क्या दो मेन क्वेश्चंस तो ही है, आगे सपोज आएंगे तो उन्हें है, आते रहेंगे, ओके, तो पहले है क्वेश्चन, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, तो कैसे जो इनविजिबल है मैन वो फर्स्ट टाइम कैसे विजिबल बना, वो दूसरा क्वेश्चन, व्हाई वाज ही वंडरिंग द स्ट्रीट्स, वंडरिंग मतलब भटकना, घूमना, भटकना, ओके, तो बोल रहे हैं कि ये स्ट्रीट्स में, गलियों में क्यों भटक रहा है ये, ओके, तो ये जो हमारा पहले 2.5 पेज है उतना जब हम डिस्कस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो पहली बार विजिबल कब हुआ और दूसरा क्वेश्चन का आंसर कि ये क्यों भटक रहा है। डन, चलो तो स्टार्ट करते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, ओके, तो पहले मडी का मीनिंग लिख लो, कवर्ड इन और फुल ऑफ मड, मड वाला मतलब कीचड़ वाला ऐसे, मडी का मीनिंग है कवर्ड इन और से फुल ऑफ मड, मतलब पूरा कीचड़ वाले पैर, देन इम्प्रिंट्स, इम्प्रिंट्स का मतलब है इम्प्रेशंस,
इम्प्रेशंस, छाप नहीं बोलते हम, ओके, प्रिंट, इम्प्रिंट्स, ओके, सो इम्प्रिंट्स का मीनिंग है इम्प्रेशंस ऑफ अ पेयर ऑफ अ बेयर फीट, बेयर मतलब अनकवर्ड, जूते नहीं पहने वैसे, जूते नहीं पहने वैसे, अनकवर्ड, ओके, सो क्या बोल रहे हैं, टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज, मतलब दो बच्चे जो है बॉयज और लड़के जो है उन लोग को सरप्राइज हो रहा है, थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भाई ये बेयर फीट, मतलब बेयर फीट मतलब नंगे पैर, मतलब जूते नहीं, शूज जूते नहीं पहने, तो ये पैर नहीं है, मतलब जूते तो नहीं है लेकिन ये इम्प्रिंट्स, पैरों के निशान कैसे दिख रहे हैं, तो क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि मड लगा हुआ है पैरों में, सोचो वो साइंटिस्ट है, उसने दवाई बनाई और दवाई पी गया, तो वो इनविजिबल हो गया, इनविजिबल हो गया तो पैर इनविजिबल हो गए, लेकिन पैर मड में गिर गए, मड थोड़ी इनविजिबल है भाई, मड तो दिखेगा, तो उसे क्या दिख रहा है, प्रिंट्स, वो दो बच्चों को क्या दिख रही है, फुट इम्प्रिंट्स दिख रही है, डन, ओके, व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ द लंडन, तो बोल रहे हैं कि बेयर फुटेड मैन मतलब जो अनकवर्ड लेग है जिसके, वैसा मैन क्या कर रहा है, कोई एक घर है उसके स्टेप्स पे, और ये घर कहाँ है, लंदन में, तो लंदन में कोई एक घर है वहां पे कोई एक बेयर फुटेड मैन, मतलब के इससे क्या पता चलता है कि वो जो मडी स्टेप्स दिख रहे थे, फुटप्रिंट्स दिख रहे थे, वो उस घर की स्टेप्स के आसपास ही है, इसलिए तो वो अंदाजा लगा पा रहे हैं, क्योंकि उनको तो देख नहीं पाएंगे वो, ओके, तो वही चीज बता रहे हैं कि क्या कर रहा होगा ये लंदन में, एंड वेयर वॉज द मैन, तो बोल रहे फुटप्रिंट्स तो दिख रहे हैं लेकिन आदमी कहाँ है भाई, बंदा कहाँ है, ओके, एज दे गेज्ड, ओके, गेज्ड का मीनिंग होता है सरप्राइज्ड, गेज्ड का मीनिंग क्या होता है, सरप्राइज, इसके पहले भी एक आया है ना, कहाँ गया अभी तो पढ़ा हमने, सरप्राइज, सरप्राइज लिखा हुआ है वहां पे, सरप्राइज वर्ड ही यूज किया है, द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज, तो गेज्ड का मीनिंग भी क्या होता है, सरप्राइज्ड, तो दो, एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, तो जैसे ही वो सरप्राइज में उनको देख रहे थे, और रिमार्केबल साइट, रिमार्केबल मतलब स्ट्रेंज, थोड़ी विचित्र, ओके, तो एक विचित्र साइट मतलब दृश्य उनको दिखा, मेट देयर आईज मतलब उनको दिखा, क्या दिखा भाई, ऐसे अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, मतलब पहले क्या था, एक घर है, घर के स्टेप्स है, ओके, और वहां पर किसी के मतलब मडी लेग्स के फुटप्रिंट्स वहां पर थे, सिर्फ फुटप्रिंट्स थे, तो ऐसे देखा, अरे यार ये कौन था जो लंदन की स्ट्रीट में ये घर के स्टेप्स पे ये खड़ा हुआ था, अभी नहीं खड़ा है, उनको थोड़ी पता है कि इनविजिबल है, तो वो बच्चे ऐसे सोच रहे कि कौन था, देखो यहाँ पे कीचड़ पड़ा हुआ है, और फिर अचानक से वो सब देख रहे थे, तो उनको और सरप्राइज हो गया, क्यों सरप्राइज हो गया, कि अचानक से स्टेप्स है, ऐसा समझो तीन स्टेप्स मतलब थ्री स्टेप्स फुटप्रिंट्स है, थ्री फुटप्रिंट्स मतलब कपल में, तो मतलब सिक्स फुटप्रिंट्स है, ओके, तो नए फुटप्रिंट्स बन रहे थे, नए बन रहे थे, मतलब यहां पर है नहीं, और अचानक से एक नया फुटप्रिंट बन गया, सोचो कैसे डर लगे, भाई भागो यहां से, ओके, भूत है क्या, तो वैसे ही उनको लगेगा, ओके, कि भाई जो जिसके स्टेप्स थे, फुटप्रिंट्स थे, वो आदमी कहाँ गया, वो पहले पूछ रहा है, लेकिन वो पहले सोच रहे वो लोग, लेकिन अभी सोच रहे थे और सब देख रहे हैं, तो उतने में तो उनको नए फुटप्रिंट्स दिखे, तो मतलब जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर एक नया फुटप्रिंट्स अभी बन रहा है, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना, लेकिन तुम्हें दिखाई कोई नहीं दे रहा है, ओके, तो इसलिए वो सरप्राइज हो गए, फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, तो फ्रेश फुटमार्क आ रहे हैं, अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर मतलब पहले नहीं थे और अचानक से आ रहे हैं, फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक फुटप्रिंट्स को वो लोग भी फॉलो कर रहे हैं, और फुटप्रिंट्स आगे जा रहे हैं, तो वो लोग भी फुटप्रिंट्स के पीछे पीछे जा रहे हैं, दोनों बॉयज डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रिप, डाउन द स्ट्रीट, ओके, सो डिसेंडिंग मतलब स्टेप्स को उतर रहे हैं, एंड प्रोग्रेसिंग मतलब मूव फॉरवर्ड, प्रोग्रेसिंग मतलब क्या, मूव फॉरवर्ड, तो मूव फॉरवर्ड जा रहे हैं, कहाँ, डाउन द स्ट्रीट मतलब स्ट्रीट के डाउन मतलब स्ट्रीट के एंड तक वो स्टेप्स जा रहे हैं, और वो लोग दोनों बॉयज उसको फॉलो कर रहे हैं, द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मतलब क्या, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड एंड इंटरेस्टेड, फैसिनेटेड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते, फैसिनेशन, ओके, तो
बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड एंड इंटरेस्टेड, उसको बोलेंगे हम फैसिनेटेड। तो दोनों बॉयज फॉलो कर रहे हैं और थोड़े सरप्राइज भी है, फैसिनेटेड भी, अट्रैक्टेड भी है। ओके क्यों? क्योंकि यार ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। Until the muddy impressions became fainter and fainter and last disappeared altogether. तो कब तक वो उनको देख रहे थे, कब तक उन्होंने फॉलो किया? जब तक, until, जब तक ऐसा ना हुआ, until and until, तो ग्रामर पता है ना? So until मतलब जब तक ऐसा ना हुआ तब तक,